हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम एकदम बारीकी से समझेंगे हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में, ताकि आपका एक एक कॉन्सेप्ट एकदम से क्लियर हो जाए। तो चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा शब्द है वो है विल बी, जिनका अर्थ होता है हिंदी में बनूंगा, बन जाऊंगा या बनेगा, या रहा हूंगा, रही होगी, रहा होगा। अगर आपको दिखे तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, विल बी का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब हम इनका रोल जान लेते हैं, क्योंकि रोल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, विल बी का इस्तेमाल आप किसके साथ करेंगे, विल बी का इस्तेमाल आप आई यू वी दे ही शी इट नेम्स, कोई भी नाम के साथ आप विल बी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि रोहन, रोहित, पूजा, रीमा, मतलब कोई भी नाम हो। तो बढ़ते आगे, चलिए इनका एग्जांपल देखते हैं। हम कल घर पर होंगे, वी विल बी एट होम टुमारो, वी विल बी एट होम टुमारो, हम कल घर पर होंगे। वह एक अच्छा इंसान बनेगा, ही विल बी अ गुड ह्यूमन बींग, ही विल बी अ गुड ह्यूमन बींग, वह एक अच्छा इंसान बनेगा। मैं खा रहा हूँगा, आई विल बी ईटिंग, आई विल बी ईटिंग, मैं खा रहा हूँगा। वह पढ़ाई कर रहा होगा, ही विल बी स्टडिंग, ही विल बी स्टडिंग, वह पढ़ाई कर रहा होगा। तो बढ़ते आगे, अगला शब्द हमारा हैव बीन, जिनका अर्थ होता है आ रहे हैं, क्या होता है हिंदी में, आ रहे हैं। तो चलिए अब इनका रूल जान लेते हैं। तो देखिए, अब हैव बीन का इस्तेमाल आप किसके साथ करेंगे, हैव बीन का इस्तेमाल आप सिर्फ आई यू वी दे के साथ करेंगे, किसके साथ करेंगे, आई यू वी दे के साथ करेंगे। चलिए अब एग्जांपल से समझते हैं। वे गाते आ रहे हैं, दे हैव बीन सिंगिंग, दे हैव बीन सिंगिंग, वे गाते आ रहे हैं। आप पढ़ते आ रहे हैं, यू हैव बीन स्टडिंग, यू हैव बीन स्टडिंग, आप पढ़ते आ रहे हैं। हम लोग टहलते आ रहे हैं, वी हैव बीन वॉकिंग, वी हैव बीन वॉकिंग, हम लोग टहलते आ रहे हैं। तो अगला शब्द हमारा हैज़ बीन, जिनका अर्थ होता है आ रही है, आ रहा है। अगर आपको वाक्य में दिखे आ रही है, आ रहा है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे, हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए अब हम इनका रूल जान लेते हैं। रूल है ही शी इट नेम्स, हैज़ बीन का इस्तेमाल आप किसके साथ करेंगे, ही शी इट, कोई भी नेम के साथ आप हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे, जैसे रोहित, पूजा, रीमा, रोहन, कोई भी नाम हो आप हैज़ बीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं। वह खाना पकाती आ रही है, शी हैज़ बीन कुकिंग, शी हैज़ बीन कुकिंग, वह खाना पकाती आ रही है। वह काम करता आ रहा है, ही हैज़ बीन वर्किंग, ही हैज़ बीन वर्किंग, वह काम करता आ रहा है। तो अगला शब्द हमारा हैड बीन, जिनका अर्थ होता आ रहे थे, आ रहा था, आ रही थी, और रूल है इनका आई यू वी दे ही शी इट, कोई भी नेम के साथ आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं। हैड बीन का इस्तेमाल आप सबके साथ करेंगे, आई यू वी दे ही शी इट नेम सबके साथ कर सकते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। हम लोग काम करते आ रहे थे, वी हैड बीन वर्किंग, वी हैड बीन वर्किंग, हम लोग काम करते आ रहे थे। मैं पढ़ाता आ रहा था, आई हैड बीन टीचिंग, आई हैड बीन टीचिंग, मैं पढ़ाता आ रहा था। मैं पढ़ता आ रहा था, आई हैड बीन स्टडिंग, आई हैड बीन स्टडिंग, मैं पढ़ता आ रहा था। अगला शब्द है एम, जिनका अर्थ होता हूँ रहा हूँ, क्या होता हूँ, रहा हूँ। तो देखिए, आई एम का इस्तेमाल सिर्फ आई के साथ ही यूज़ होता है, किसके साथ यूज़ होता है, सिर्फ ओनली आई के साथ इस्तेमाल होता है आई एम का। तो चलिए इस्तेमाल देखिए, क्योंकि इस्तेमाल से आपको और बेहतर से समझ में आएगा। मैं पढ़ाई कर रहा हूँ, आई एम स्टडिंग, आई एम स्टडिंग, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, मैं एक टीचर हूँ। मैं एक इंजीनियर हूँ, आई एम एन इंजीनियर, आई एम एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर हूँ। अगला शब्द है आर, जिनका अर्थ होता है हों, हैं, मतलब रहे हैं, रहे हो। तो चलिए अब इनका रूल देखिए।
रूल है यू वी दे, आर का इस्तेमाल आप इन सब के साथ कर सकते हैं यू वी दे के साथ। तो इस्तेमाल देखिए, तुम एक लेखक हो, यू आर आ राइटर, यू आर आ राइटर, तुम एक लेखक हो। हम शिक्षक हैं, वी आर टीचर्स, वी आर टीचर्स, हम शिक्षक हैं। वे काम कर रहे हैं, दे आर वर्किंग, दे आर वर्किंग, वे काम कर रहे हैं। अगला शब्द है इस, जिनका अर्थ होता है, रहा है, रही है। तो चलिए अब इनका रूल जान लेते हैं। आप इस का इस्तेमाल ही शी इट कोई भी नेम के साथ करेंगे। तो चलिए इस्तेमाल देखिए, वह एक लेखक है, ही इज़ अ राइटर, ही इज़ अ राइटर, वह एक लेखक है। वह टीवी देख रही है, शी इज़ वॉचिंग टीवी, शी इज़ वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रही है। वह खाना पका रही है, शी इज़ कुकिंग, शी इज़ कुकिंग, वह खाना पका रही है। यह नया है, इट इज़ न्यू, इट इज़ न्यू, यह नया है। अगला शब्द है वॉज, जिनका अर्थ होता है था, थी, मतलब रहा था, रही थी। तो अब देखिए इनका रूल देखते हैं। रूल है आई ही शी इट कोई भी नेम्स, आप वॉज का इस्तेमाल आई ही शी इट नेम के साथ करेंगे। तो चलिए इस्तेमाल देखिए, वह एक लेखक था, ही वॉज आ राइटर, ही वॉज आ राइटर, वह एक लेखक था। वह खाना पका रही थी, शी वॉज कुकिंग, शी वॉज कुकिंग, वह खाना पका रही थी। मैं पढ़ रहा था, आई वॉज यस्टर्डिंग, आई वॉज यस्टर्डिंग, मैं पढ़ रहा था। वह एक वैज्ञानिक था, ही वॉज आ साइंटिस्ट, ही वॉज आ साइंटिस्ट, वह एक वैज्ञानिक था। मैं एक अभिनेता था, आई वॉज एन एक्टर, आई वॉज एन एक्टर, मैं एक अभिनेता था। तो अगला शब्द है वर, जिनका अर्थ होता थे, मतलब रहे थे। तो चलिए अभी मैं इनका भी रूल जान लेते हैं। रूल है यू वी दे, आप वर का इस्तेमाल किसके साथ करेंगे, ओनली यू वी दे के साथ करेंगे। तो चलिए अब हम इस्तेमाल देखते हैं। वे काम कर रहे थे, दे वर वर्किंग, दे वर वर्किंग, वे काम कर रहे थे। हम पढ़ रहे थे, वी वर रीडिंग, वी वर रीडिंग, हम पढ़ रहे थे। तुम ईमानदार थे, यू वर ऑनेस्ट, यू वर ऑनेस्ट, तुम ईमानदार थे। तो ये थी आज की वीडियो, वीडियो कैसी लगी, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो यहाँ पे एंड होती है, मिलते हैं अगली वीडियो में। आज की